संघर्ष से, उनके प्रयास से और सबों की आशीर्वाद शुभकामनाओं के साथ आज फाइनली पार्टी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। दादा, पार्टी का आप लोग का रजिस्ट्रेशन अब हो गया है, अब आप लोग राजनीतिक दल बन चुके हैं, आप संगठन से क्या बोलिए? बिल्कुल, देखिए झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नाम से टाइगर जयराम महतो जी अध्यक्ष हैं पार्टी के और इनके नाम से पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ है और पार्टी प्रयास कर रही थी बहुत दिनों से रजिस्ट्रेशन को लेकर के, एक टीम बनाई गई थी उसमें जिसमें अमित कुमार गिरी जी, मैं स्वयं था, विजय कुमार सिंह, सरोज कुमारी जी थी, तीन लोगों की टीम बनी हुई थी और लोगों ने भी सहयोग किया। तो जो संविधान बनना था अमित जी ने प्रयास किया था उसको लेकर के और एक पूरा डॉक्यूमेंट 574 पेज का डॉक्यूमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सौंपा गया था। पार्टी अब रजिस्टर्ड हुई है और इसको लेकर के अब जो केंद्रीय अध्यक्ष हमारे हैं वो आपसे बात करेंगे। चाहेंगे पार्टी का रजिस्ट्रेशन हो गया, काफी संघर्ष किए आप लोग जी, इसके लिए हमारे जो केंद्र प्रवक्ता महोदय ने आपको नाम सजेस्ट किए उनको एक विशेष जिम्मा सौंपा गया था। उनकी निगरानी में बहुत सारे साथी थे और लगातार उनके संघर्ष से, उनके प्रयास से और सबों की आशीर्वाद शुभकामनाओं के साथ आज फाइनली पार्टी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आने वाले विधानसभा के चुनाव में हम लोग अपने पार्टी के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। सिंबल कब तक अलॉटमेंट आप लोगों का? सिंबल भी कुछ ही दिनों में अलॉटमेंट हो जाएगा, मतलब विधानसभा चुनाव से पहले सिंबल मिल जाएगा। विधानसभा चुनाव से पहले सिंबल हमारे पास होगा। क्या दादा, क्या बोलिएगा, कितना संघर्ष करना पड़ा ये रजिस्ट्रेशन कराने के लिए? कई कई बाधाएं आए, कई अपने लोग भी आपके अनगिनत बाधाएं, हमारे ही पार्टी के बहुत सारे लोग थे जिन्होंने आपत्ति दर्ज कराई थी और जो 30 दिन का समय होता है आपत्ति दर्ज कराने का, तो बहुत सारी बाधाएं थी, बाधाओं में लिमिट ही नहीं था, इतनी बाधाएं थी, लेकिन उसके बावजूद जो हमारी टीम थी जिनमें विजय दा, अमित दा, सरोज जी, उनके सूझबूझ से, उनके सकारात्मक पहल से और लगातार उनके कम्युनिकेशन कमीशन के साथ बातचीत, जाना, एक एक कागज को बारीकी से समझना, तुरंत रिपोर्ट को सबमिट करना, एक लंबा अनुभव रहा और संघर्ष भी रहा। पार्टी रजिस्ट्रेशन करने में काफ़ी दुविधाएं रही और फाइनली पार्टी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, इसके लिए सभी को शुभकामनाएं। क्या लग रहा था आप लोग, अब रजिस्ट्रेशन हो गया, राजनीतिक दल बन चुका है, साजिशें के भी दौर आप लोग के बीच अभी चल रहा है? देखिए, साजिश झारखंड में केवल और केवल झारखंडी लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के साथ ही हो रहा है, जयराम महतो के साथ ही हो रहा है, इसलिए साजिश हो रहा है क्योंकि उनको अभी लगता है कि हम लोग अगर पॉलिटिक्स में टिक जाएंगे तो वे जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं उसको जनता खारिज कर देगी, इसलिए वो चाहते हैं कि हम लोग पॉलिटिक्स में ना टिके, इसलिए भाड़े में अपने बहुत सारे लोगों को ग्राउंड में भेज चुके हैं। उनका एक ही कार्य दिया गया है कि हमारे साथ जितने लोग जुड़े हैं उनको टारगेट कीजिए, उनकी आलोचनाएँ कीजिए, उनको लेकर साजिशें रचिए। देखिए, हम अगर एक विधायक के रूप में आते हैं तो लोग हमको स्वीकार कर लेते हैं कि चलो विधायक बन के आ रहा है, क्या दिक्कत है, लेकिन हम राज्य का फेस बन के आ रहे हैं, एक नई आइडियोलॉजी के साथ आ रहे हैं, तो इससे सबको तकलीफ है। सबका जो पॉलिटिक्स का धरातल है, जमीन है, वो कहीं ना कहीं खिसकता हुआ दिख रहा है, तो जिस कारण तकलीफ होना तो स्वाभाविक है। बिना सिंबल का आप लोग ने लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन किया, 8 लाख से ज़्यादा वोट लेके आए आप लोग, अब सिंबल भी मिलेगा, रजिस्ट्रेशन भी होगा, अच्छा वोट रहेगा इस बार? आप वोट ही अच्छा नहीं रहेगा, हमें लगता है कि बहुत सकारात्मक रिजल्ट होगा, सरकार बनाने की स्थिति में हम लोग रहेंगे। अच्छा, आप कई मीडिया में देख रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, आपके ही पार्टी के नेता पदाधिकारी पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ क्या आप रोकोगे? बिल्कुल, ऐसा अगर कोई करते हैं तो नो डाउट अनुशासन समिति का गठन किया गया है, वो उन पर सख्त हिदायत भी देगी और सख्त कार्रवाई भी करेगी। क्या संदेश है, आप पार्टी बन गया, आप जेबीकेएसएस का क्या होगा, जो जेबीकेएसएस चल रहा था अभी तक मदर विंग के रूप में रहेगी और वो सजीव जीवंत रहेगी, जेबीकेएसएस का एक अलग भूमिका रहेगा, उनको एक अलग डिपार्टमेंट और कुछ कार्य क्षेत्र सौंप दिए जाएंगे, वो सदैव कायम रहेगा। जो अभी पार्टी आपका बना तो क्या नए सिरे से पदों का आप? नए सिरे से फिर से पदों का सृजन करना होगा, नए सिरे से सदस्यता अभियान चलाना होगा, सब कुछ नया ही होगा। जो लोग अभी पद में है क्या उनका क्या होगा फिर? देखिए, उनकी सक्रियता ही तय करेगी, वो पद पे रहेंगे या पदमुक्त किए जाएंगे, वो सक्रिय रहेंगे तो पद पर जस का तस बने रहेंगे। विधानसभा को लेकर क्या तैयारी आप लोगों का चल रहा है? देखिए, हम लोग आवेदन के लिए 13 तारीख का समय लिए हैं, जो भी आवेदन आएंगे, मान के चलिए एक विधानसभा से 50 आवेदन आए, तो स्क्रूटनी की टीम है, स्क्रीनिंग टीम है, वो काट छाट के फाइनल करके संसदीय बोर्ड को भेजेगी, उसके बाद लिस्ट। अच्छा, तो आप लोग आवेदन भी ले रहे हैं जो जो प्रत्याशी बने हैं? जी जी, आवेदन क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि एक नए सिस्टम से पॉलिटिक्स करें, आवेदन लें, किसी को थोपे नहीं, एक नए तरीके से हम लोग राजनीति करना चाहते हैं, अब कितना सफल होंगे वो जनता तय करेगी। कई यूट्यूबर चैनल में देख रहे हैं कि आपके खिलाफ बहुत साजिशें चल रही है, अगर उनका घर चल रहा है, हम अगर किसी के हमारे खिलाफ बोल के हमारे साजिशें करके, तो उनको हमारी शुभकामनाएं हैं,
हम भी सुने उनका किन्हीं की माँ की तबीयत खराब है, तो कोई 29-30 साल की उम्र पार कर चुका है और अभी बैचलर है, तो घर की स्थिति है, कोई दो बच्चों के पिता हैं, तो स्वाभाविक है अगर हमारा बदनाम करके, हमारी आलोचना करके अगर उनका परिवार का पेट भर रहा है तो हमें हम उनकी शुभकामनाएं देंगे। लेकिन हाँ, उनको यही हिदायत देंगे कि कोशिश कीजिएगा कि विधानसभा चुनाव के बाद के जो 5 साल आएंगे अगले विधानसभा तक, उसमें भी आपको कम से कम वो खर्चों उठाए। ऐसा नहीं कि आप विधानसभा के बाद फिर आपको यूज करके थ्रो कर देंगे, तो थोड़ा सचेत रहेगा। ये चीज़ें सत्य है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर ने हमको खुद कहा कि दादा हमको भी ऑफर आया था, लेकिन हमें लगा कि अगर आज आपका साथ नहीं देंगे तो फिर हमारी आने वाली पीढ़ी भी हमसे सवाल करेगी कि हम गलत किए। अचानक ऐसा क्या हो गया जो जिनको आप पहचान दिए वही आपके खिलाफ हो गए? ना बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। अब मान के चलिए जिनका, मान के चलिए बड़ी मुश्किल से वे लोग अपना पेट्रोल मैनेज करते थे, बड़ी मुश्किल से रिचार्ज मैनेज करते थे, यार उनको अगर एक पैकेज मिल जाएगा 3-4 महीने का कॉन्ट्रैक्ट पे, तो हमें लगता है कि आज के डेट में पैसा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए वे लोग चले गए। खैर कोई दिक्कत नहीं, हम उनको शुभकामना देंगे कि अगर उस पैसे से उनकी किसी की माता का इलाज, किसी के दो बच्चों की पढ़ाई का खर्च अगर वहन हो जाता है तो बिल्कुल हमारे खिलाफ ही चलाएं। ऐसे भी वो तो अपने साबित ही कर दिया है। कौन है आपके पीछे जो आपका रास्ता रोक रहा है, आपका कांटा बन रहा है? सभी हैं, जो भी राजनीतिक दल स्थापित हैं, सबको तकलीफ है हमसे, हमारी आइडियोलॉजी सर किसी को तकलीफ है। एक बार जो आपको रजिस्ट्रेशन मिला है वो एक बार दिखा देंगे, क्या है आप पढ़ के? रजिस्ट्रेशन नंबर है हमारा यही है ना जी। क्या नंबर है रजिस्ट्रेशन संख्या? 56/042/2024/PPS-Roman-IV। किनको श्रेय देंगे ये आपका? जो हमारे साथ खड़े हैं। अच्छा, ये सामने जो पीछे? जी, सबके भी अपना अपना टीम होता है। क्या संदेश है यहाँ से आपका? संदेश यही कि अब विधानसभा के चुनाव में जो है सामने, उसकी तैयारी में लग जाए। धन्यवाद।